वेलकम फॉर क्लास वन। आज मैं आप लोगों को हिंदी रीडर में मैंने आप लोगों को चैप्टर फोर बिना बड़ी की मात्रा आप लोगों को पढ़ाया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसे मैंने बड़ी की मात्रा से कुछ शब्द बताया थे और आप लोगों को लिखने को भी दिया था। जैसे बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, परी। प में प और र में बड़ी की मात्रा लगा दिए तो क्या बन गया, परी। घ र में बड़ी की मात्रा लगा दी तो घरी। उसी तरह से यहाँ पे पेज नंबर 23 में चित्रों के नाम लिखते थे, जैसे घड़ी, सुराही, तितली, छतरी, बीन और ये क्या है, बिहारी। अब इस बड़ी की मात्रा से आपको चैप्टर भी मैंने पढ़ाया था, मीना की नाव। जैसे मीना पढ़ रही थी तभी धीमी धीमी बारिश आ गई, मीना भागी भागी अंदर गई, भीतर गई, वह एक पीला कागज लाई और उसकी एक नाव बनाई। मीना नाव बाहर लाई, सड़क पर पानी भरा, नाव पानी पे चलने लगी, नाव बहती चली। उस डाली पर गिलहरी भीग रही थी, एक छिपकली भी भीग रही थी, तभी एक तितली आई, तितली भीग भी आई, वह भी भीग गई। इस तरह से मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था। देखिए, तो इस चैप्टर में ज़्यादातर किस चीज़ का यूज हुआ है, बड़ी की मात्रा इसमें लगी हुई है बहुत सारे शब्दों में। तो आप लोगों ने इस चैप्टर को रीड किया होगा और पढ़ा भी होगा, अच्छे से समझा भी होगा। अब मैं इसका प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। नाव किसने बनाई, तो नाव मीना ने नाव बनाई। नाव किसने बनाई, मीना ने नाव बनाई। डाली पर कौन भीग रही थी, डाली पर गिलहरी भीग रही थी। कौन भिनभिना रही थी, तितली भिनभिना रही थी। फिर से देखिए, नाव किसने बनाई, मीना ने नाव बनाई। डाली पर कौन भीग रही थी, डाली पर गिलहरी भीग रही थी। कौन भिनभिना रही थी, तितली भिनभिना रही थी। तो ये आप लोगों को इस बुक में भी करना, इस पेज में भी करना, पेज नंबर 25 में भी लिखना है और ये जो आपकी कॉपी है उसमें भी इस प्रश्न उत्तर के लिखना है। इसमें देखिए चित्रों के नाम, गिलहरी, ये क्या है, तितली। अब यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर में बड़ी की मात्रा के शब्द ढूंढे। जैसे यहाँ पे खीर में सर्कल किया, वैसी तरह देखिए गारी, यहाँ पे इसको सर्कल कीजिएगा, दादी, सीता, चील, दीवार, भिखारी, दीन और क्या है, पिता। इस तरह से सीता, इस तरह से आपको सर्कल करना है, शब्द ढूंढ के उसमें सर्कल करना। तो ये आप लोग को पेज नंबर 25 अपने बुक में ही बनाना है और कॉपी में ये प्रश्न उत्तर लिख कर उसको लिखना है और याद भी करना है। लिख लिख के आपको याद करना है ताकि आपको लिखने की जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे और इसको याद करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका प्रश्न उत्तर आप लोगों से पूछूंगी। के बाय, थैंक यू।